पीएम मोदी का सपना स्वच्छ भारत मिशन, जी हाँ, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि देश का हर राज्य साफ सुथरा दिखे। लेकिन पीएम के सपने को कैसे पलीता लगा रहे हैं, इसकी एक नजीर आज हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन अभियान को इस बार पलीता लग रहा है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में। जी हाँ, कानपुर नगर निगम ने सार्वजनिक दीवारों पर ऐसे नारे लिखवाए हैं जिनकी भाषा असभ्य है, या फिर यूँ कहें कि भद्दी है। लेकिन यहाँ ये भी जानने वाली बात है कि जनहित में जारी सभी सरकारी स्लोगन नगर स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति के बाद ही जनता के बीच प्रसारित किए जाते हैं, तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? आइए अब जरा उन स्लोगन्स पर भी नजर डालते हैं। दीवारों पर चस्पा ये स्लोगन्स जनहित में जारी हैं, लेकिन इनकी भाषा ऐसी है, अगर इन स्लोगन्स पर किसी महिला की नजर पड़े तो शायद वो भी इन्हें पढ़ने में खुद को असहज महसूस करे। हम इन नारों को टीवी स्क्रीन पर साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने जिन शब्दों को छिपाया है वो काफी भद्दे हैं, या यूं कहें कि शालीनता से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लोगों को परेशानी थी लैट्रिन जाने के लिए, और जैसे कि बाहर लैट्रिन जाते थे तो गांव में गंदगी आती थी, तो इसीलिए प्रधान जी ने शौचालय बनवाया। स्लोगन पढ़ के बहुत गंदा लगता है, लेकिन लिख गए तो आप लोगों ने इतराज नहीं किया कि इस तरह के स्लोगन ना लिखें? ये किया था, लेकिन वो लिख गए तो ये पढ़ने में क्या लगता है? बहुत गंदा लगता है, लेकिन क्या करें। वैसे आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन का ताल्लुक स्वास्थ्य विभाग से है, इसीलिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो हर स्लोगन को देखे, उसके बाद ही उन्हें पास करे। वहीं जब इन भद्दे स्लोगन्स को लेकर के न्यूज की टीम ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह गौर से बात की, तो उन्होंने सिर्फ जांच करने और कार्रवाई करने की बात कहकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। भारत मिशन चल रहा है और स्वच्छता जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रायोरिटी में है, योगी जी के प्रायोरिटी में है, तो लोग अवेयर जागरूकता बने हुए मॉनिटरिंग होती है। जो भी लिखा जाता है नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मैं हूँ, डॉक्टर पंकज हैं, दोनों लोग को दिखा के कि ये स्लोगन है, तभी लिखा जाता है। नहीं, ये बिल्कुल मेरे नॉलेज में नहीं है, आप ये दिखा रहे, मैं पता करता हूँ ये कहाँ पे लगे बनाइए मतलब लिखे गए हैं, इसकी जांच करवाऊंगा मैं, जो भी दोषी हुआ कार्रवाई करूंगा। भले ही कानपुर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी इन नारों से अपना नाता न होने से इनकार कर रहे हो, लेकिन कानपुर की महिला मेयर प्रमिला पांडे भी हैरत में है कि महिलाओं के लिए ऐसे अशोभनीय नारे सार्वजनिक दीवारों पर कैसे गढ़े गए। उन्होंने भी मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये आपको कहाँ लिखा दिखा, मैं इसकी जांच कराऊँ, ये शब्द ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने सड़क किनारे बैठी चाची के जो उन्होंने लिखा, तो नहीं अच्छा, ऊपर भी है, ये सब नहीं अच्छा। अगर किसी ने लिखाया है इसकी मैं निश्चित तौर पर इसकी मैं जांच कराऊंगी, आज ही मैं इसके आदेश कराऊंगी कि किसने ऐसी भाषा को लिखा। खुले में शौच मुक्ति के लिए अक्षय कुमार ने भले ही बहुत शालीन तरीके से अपनी फिल्म के जरिए लोगों को टॉयलेट बनवाने का संदेश दिया था, लेकिन इन स्लोगन्स को देखकर तो यही लगता है कि कानपुर नगर निगम और नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़।